हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान में बन रहे 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने ये 10 बड़े प्रोजेक्ट्स आपको बताए थे। लेकिन दोस्तों, कई मेगा प्रोजेक्ट्स उस वीडियो में छूट गए थे और एक प्रोजेक्ट जैसे कि सोलर पावर प्लांट को एक अपडेट की जरूरत थी, और इसीलिए दोस्तों आज हम दोबारा हिंदुस्तान में बन रहे 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसे देखते रहिए अंत तक। तो चलिए, मैं हूँ आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्च 2018 तक इंडिया की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी 22,000 मेगावाट यानी 22 गीगावाट के ऊपर हो चुकी है। अब दोस्तों, सरकार का अगला टारगेट ये है कि इस नंबर को 2022 तक 100 गीगावाट के ऊपर लेकर जाया जाए, और इसके लिए इंडिया में अलग अलग जगह सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, और उसमें से एक है शक्तिस्थला सोलर प्लांट। और दोस्तों, ये सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 2000 मेगावाट के ऊपर होगी। और दोस्तों, इस सोलर प्लांट का काम 2016 में शुरू हुआ है, इसको कर्नाटका सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही है। इसको बनाने की लागत 16,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके लिए 13,000 एकड़ लैंड एक्वायर की गई है, और दोस्तों, जो लैंड सरकार ने लिया है वो 25 साल के लिए लीज पर लिया गया है, और पर एकड़ पे किसानों को 25,000 रुपए सरकार की तरफ से किराया दिया जाएगा। ये सिलसिला 25 साल तक चलेगा। और दोस्तों, 2000 मेगावाट्स में से 600 मेगावाट्स ऑलरेडी ऑपरेशन में आ गए, और बाकी के जो 1400 मेगावाट्स की कैपेसिटी है वो 1-2 साल तक सरकार हासिल कर लेगी। दोस्तों, इसको बनाकर कर्नाटका की सरकार एक तीर से दो निशान मार रही है। पहला काम तो ये हो रहा है दोस्तों कि कर्नाटका की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी तेजी से बूस्ट हो रही है, और दूसरा फायदा ये होगा कि जिस एरिया में ये बनाया जा रहा है दोस्तों, वो ड्रॉट हिट है। लास्ट 60 इयर्स में 54 टाइम्स इस एरिया को ड्रॉट प्रोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों, ये एरिया कितना सूखा है। इसी कारण यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ही दिक्कतें होगी, और इसीलिए सरकार इस लैंड को लीज पर लेकर उन किसानों को किराया दे रही है। दोस्तों, एक और सोलर पावर प्लांट बन रहा है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पावर प्लांट 10,000 एकड़ पे बनाया जा रहा है। भले ही इस सोलर प्लांट का लैंड एरिया शक्तिशाला से कम हो, लेकिन दोस्तों, इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी शक्तिशाला से ज्यादा है। ये पावर प्लांट कंप्लीट होने के बाद 2.2 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अभी तक दोस्तों, 750 मेगावाट्स की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी इस सोलर प्लांट से आ रही है। अभी 750 मेगावाट्स की कैपेसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी जो बाकी के 750 मेगावाट्स है दोस्तों, उसकी भी बहुत जल्द बिल्डिंग हो जाएगी। और सरकार का ऐसा दावा है कि 2019 दिसंबर तक ये प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस सोलर प्लांट की खास बात यह है कि ये इंडिया का अब तक का सबसे चीपेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा, क्योंकि दोस्तों, कंप्लीट होने के बाद 2.4 रुपीज पर किलोवाट हावर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो इंडिया का अब तक का सबसे चीपेस्ट सोलर प्लांट होगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सोलर प्लांट शक्तिस्थला को बीट कर देगा। लेकिन दोस्तों, एक और सोलर पावर प्लांट है जो शक्तिस्थला और भदला इन दोनों को भी बीट कर देगा। ये सोलर पावर प्लांट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में बनाया जा रहा है। इसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 5,000 मेगावाट है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, और बहुत जल्द इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इंडियन रेलवे का अब तक का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसे एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2006 में एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। इस बॉडी का काम यह है कि इंडिया में अलग अलग जगह फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना और उसे मेंटेन करना। दोस्तों, अभी तक इंडिया में 6 ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स को अप्रूव कर लिया गया है, और उसमें से 2 फ्रेट कॉरिडोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक है दोस्तों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दूसरा है दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों, इस फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाने का मेन रीजन ये था कि जो भी गुड्स रेलवे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है दोस्तों, बहुत ही स्लो। इसीलिए दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जहां पे सिर्फ गुड्स ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। ये फ्रेट कॉरिडोर्स कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, इसकी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो पुराने ट्रेन की कैपेसिटी थी दोस्तों, वो 5,000 टन की थी, लेकिन ये फ्रेट कॉरिडोर्स बनने के बाद दोस्तों, इस पे आप 13,000 टन तक की कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ये फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, इस रूट के 70% गुड्स इस नए फ्रेट कॉरिडोर से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, और इससे दोस्तों जनरल ट्रेन ट्रैफिक का कंजेशन जो होगा वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों, ये फ्रेट कॉरिडोर इंडिया के 7 स्टेट से गुजरेगा, जिसकी टोटल लेंथ 3,350 किलोमीटर होगी। इसको बनाने की लागत
82,000 करोड़ रुपीस है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया है और ऐसा टारगेट है कि 2020 जून से पहले ये फ्रेट कॉरिडोर्स ऑपरेशन में आ जाए। अगर दोस्तों आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस टॉपिक को डिटेल में जान सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट पे नंबर 8 पे आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू चाइना में है जिसे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा कहते हैं। दोस्तों इसकी हाइट 153 मीटर है, लेकिन ये टाइटल चाइना के पास से कुछ ही महीने में जाने वाला है क्योंकि दोस्तों इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई जा रही है। ये स्टैचू इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। दोस्तों ये गुजराती थे और इनको गुजरात में बहुत ही इज्जत दी जाती है। इनकी जो स्टैचू बनाई जा रही है दोस्तों वो गुजरात के वडोदरा में बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन दोस्तों इसी कारणों की वजह से प्रोजेक्ट को फिर से रीडिजाइन किया गया और दोस्तों ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2014 को ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इसको इंडिया की L&T कंपनी बना रही है। इसको बनाने की लागत 3000 करोड़ रुपए है और दोस्तों ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 31 अक्टूबर 2018 को लॉन्च करने का सरकार का टारगेट है। दोस्तों 7th नंबर है रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 1982 में प्रपोज किया गया था। वैसे तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश ने भी प्रपोज किया था, लेकिन दोस्तों 1982 में सरकार ने इस पे थोड़ा काम किया था। फिर उसके बाद दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम किया गया और दोस्तों जैसे ही नई गवर्नमेंट आई UPA 1, जब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। फिर दोस्तों 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट का असल काम ये है दोस्तों कि इंडिया के 60 रिवर्स को इंटरलिंक करना है। तो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है दोस्तों कि कुछ एरियाज में बारिश बहुत ज्यादा होती है और कुछ एरियाज में बारिश नहीं होती। इसके कारण क्या होता है, उस एरिया में ड्रॉट हो जाता है और बहुत से किसानों को इसके कारण सफर करना पड़ता है। और दोस्तों इस रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा बैरेजेस, डैम्स और कैनल्स के थ्रू। और इसके कारण दोस्तों जो दूसरे एरिया में जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहां पर दोस्तों इस पानी का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा इरिगेशन की जा सके। अभी फेस वन में काम किया जा रहा है जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन चार रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट $168 बिलियन एस्टिमेट की गई है। और दोस्तों अभी इसका प्रोग्रेस हम देखेंगे तो गोदावरी और कृष्णा जो इंडिया के चौथे और दूसरे लॉन्गेस्ट रिवर्स है, इन दो रिवर्स को इंटरलिंक कर लिया गया है और दूसरे रिवर्स पे भी सरकार काम कर रही है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलियंस ऑफ हेक्टर्स की लैंड आसानी से इरिगेट की जा सकती है। और फेस वन का मेन टास्क ये होगा दोस्तों जो ईस्ट में रिवर्स है दोस्तों उसको साउथ और वेस्ट इंडिया की तरफ मोड़ा जाए। और दोस्तों इस पर आने वाले समय में हम एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। और दोस्तों इस लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया के यंगेस्ट स्टेट तेलंगाना में बन रहे है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की। दोस्तों इस प्रोजेक्ट ने दुनिया के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत 80,000 करोड़ है जो वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में तेलंगाना के 31 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट इन्फ्लुएंस होंगे और इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 147,000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी TMC फीट होगी और इसमें से 100 TMC इरिगेशन के लिए, 30 TMC ड्रिंकिंग पर्पज फॉर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए और 10 TMC इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों दुनिया में जितने भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1 TMC या 2 TMC होती है, लेकिन दोस्तों तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की 3 TMC है और इसीलिए दोस्तों ये वर्ल्ड का बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तेलंगाना के 37 लाख एकर्स की लैंड को इरिगेट करेगा। दोस्तों अगर हम इसके प्रोग्रेस की बात करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2018 में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ जाएगा और 2022 तक दोस्तों कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट है भारत नेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड भी कहते हैं। ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट को 2012 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन टारगेट यह है दोस्तों कि इंडिया के 2,50,000 ग्राम पंचायत और 6,25,000 विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने के लिए। ये प्रोजेक्ट दो फेजेस में डिवाइडेड है और पहला फेज में 1,00,000 ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में 1,50,000 ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी थी। और दोस्तों फेज वन कंप्लीट हो चुका है जिसकी लागत 11,000 करोड़ रुपए आई है और दोस्तों अभी फेज टू अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें 34,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा होगा। और सरकार का ऐसा दावा है दोस्तों फेज टू 2019 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट का काम बहुत ही धीरे से किया जा रहा है। तो हम ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं दोस्तों कि फेज टू 2019 दिसंबर तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फेज टू कंप्लीट हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में बना रहे हैं। और दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द हम पार्ट टू भी अपलोड कर देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको और इस टॉपिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।